हेलो स्टूडेंट्स, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज दैट इन्वेस्टमेंट विच इज गवर्न्ड बाय इनकम एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. सो सच काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिट और इनकम इलास्टिक. इफ चांसेस ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज हाई, देन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है वो रेज हो जाता है. और अगर हम फ्यूचर में कम प्रॉफिट्स को एक्सपेक्ट करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट का लेवल भी अकॉर्डिंगली रिड्यूस हो जाता है. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के लिए एक डायग्राम से आप इसको क्लियर कर लीजिए. एक्स एक्सिस पे इनकम है और वाई एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट है. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट शोज पॉजिटिव स्लोप. This I curve, this investment curve shows induced investment. As level of income increases, level of investment also increases. If we talk about inducement to invest, or we can say, what are determinants of induced investment? Motivation to increase investment is known as inducement to invest. It means whether an entrepreneur would feel tempted to make investment or not. एक इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट की बात करें तो एक इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले फंड्स की बात आती है, और वो फंड्स उसके खुद के भी हो सकते हैं और वो फंड्स जो हैं वो बोरोड फंड्स भी हो सकते हैं. अगर उसके खुद के फंड्स हैं तो अगर वो इन फंड्स को इन्वेस्ट करता है तो ही हैज टू फोरगो सम इंटरेस्ट विच अदरवाइज ही कुड गेट बाय जस्ट बाइंग सम बॉन्ड सम डिवेंचर्स फ्रॉम गवर्नमेंट. एंड इफ द फंड्स आर बोरोड ही हैज टू डायरेक्टली पे सम अमाउंट अगेंस्ट कैपिटल. सो सच कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नोन एज इंटरेस्ट. इन फंड्स की एक कॉस्ट एक इन्वेस्टर पे करता है बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट. एंड आफ्टर दिस इन्वेस्टमेंट व्हाट वुड ही गेट, दैट एक्सपेक्टेड इनकम इज नोन एज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. इफ एक्सपेक्टेड इनकम इज मोर देन दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट देन ही विल मेक इन्वेस्टमेंट्स. बट इफ एक्सपेक्टेड इनकम इज रिलेटिवली लो देन He would not feel inducement to invest. So, inducement to invest or determinants of induced investment में हमारे पास दो determinants हैं. First is marginal efficiency of capital and the second is rate of interest. पहले cover करते हैं marginal efficiency of capital. जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इट इज जस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी. जब एक इन्वेस्टर अपने फंड्स को इन्वेस्ट करेगा, व्हाट प्रॉफिटेबिलिटी ही इज गोइंग टू एक्सपेक्ट, दैट इज नोन एज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. इट इज इन कंटेक्स्ट ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ कैपिटल, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर टर्म मार्जिनल. इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स. First one is prospective yield and the second is supply price. Prospective yield की अगर हम बात करें तो it means income available during the lifetime of a capital asset. Suppose we are taking example of a machine and that machine could work for 5 years. So, during these 5 years, how much net income we could generate from utilizing such machine for his lifetime? That net income, if aggregating, known as prospective
यील्ड। सो हमें नेट इनकम को एग्रीगेट करना है और प्रोस्पेक्टिव यील्ड को कैलकुलेट कर लेना है। जब हम एक एनुअल आउटपुट को कैलकुलेट करेंगे, हमें नेट इनकम को कैलकुलेट करना है, यानी कि उसके रिगार्डिंग जितने एक्सपेंडिचर्स हम इनकर करेंगे, जितनी कॉस्ट हम इनकर करेंगे उसको हम डिडक्ट कर लेंगे, यानी कि जितना रेवेन्यू हमने जनरेट किया उसमें से जितनी कॉस्ट थी वो सब्ट्रैक्ट करके जो हमारे पास बच जाएगा वो होगी नेट इनकम। सच नेट इनकम विल बी एग्रीगेटेड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स टू अ सर्टेन प्रोस्पेक्टिव यील्ड। सेकेंड कम्स सप्लाई प्राइस। सप्लाई प्राइस मीन्स कॉस्ट ऑफ मशीन, एंड दिस कॉस्ट ऑफ मशीन इज नॉट कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, इट इज कॉस्ट ऑफ अ ब्रांड न्यू मशीन। सो इसको हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कह सकते हैं। मार्जिनल एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोस्पेक्टिव यील्ड में से सप्लाई प्राइस को डिडक्ट कर देंगे और हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। सो किसी भी इकोनॉमी में मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। अगर हम डेवलप्ड नेशंस की बात करें तो डेवलप्ड नेशंस में सेक्युलर स्टैग्नेशन की वजह से मार्जिनल एफिशिएंसी फॉलिंग होती है और ये जीरो भी हो सकती है। जैसे जैसे आप यूनिट्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, MEC की नेचर जो है वो फॉलिंग होती है और डेवलप्ड नेशंस में इट कुड फॉल जीरो। नेक्स्ट कम्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज जस्ट कॉस्ट ऑफ फंड्स। इफ दीज फंड्स आर ऑन्ड बाय द इन्वेस्टर देन He has to forgo some interest which he could get without investing such funds into some venture. So, if he is borrowing some funds, he has to pay some interest for such funds. So, cost of funds, that is interest. Interest depends upon demand for money and supply of money. Or Keynes ke according, अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट इज अ रिवार्ड फॉर पार्टिंग विद योर लिक्विडिटी। अपने ही पैसे से जब आप अलग होते हो उसके बदले में जो रिवार्ड जनरेट होता है उसको इंटरेस्ट कहते हैं। सो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में जो मेन रोल प्ले करती है वो डिमांड फॉर मनी ही। कोई भी एंटरप्रेन्योर जब कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो कंपेयर करेगा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को। If marginal efficiency of capital is more than rate of interest, then investment would be made. If marginal efficiency of capital is less than rate of interest, then no investment would be made. And if marginal efficiency of capital and rate of interest equates, that is known as break-even point. Investor would be indifferent about the choice whether he would make investment or not. इसको further clarify करने के लिए एक diagram से इसको clear करते हैं। XY plane को plot कर लेते हैं। X axis पे हम investment लेंगे और Y axis पे rate of interest और MEC, marginal efficiency of capital. रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी कंट्री में डिफाइन हो जाती है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इसकी जो नेचर होती है वो फॉलिंग नेचर होती है। सो आर और MEC जहां मीट आउट करते हैं दैट इज पॉइंट ई, यानी कि किसी भी कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो OY होगा। अगर उस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट के लेवल को रिड्यूस कर दिया जाए, से वाई डैश कर दिया जाए, तो इस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो इक्वेट नहीं है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज मोर इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन सच एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी विल पुश द इन्वेस्टर्स टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट टू OY लेवल, एंड इफ investment is OY double dash,
then in this case, rate of interest is more in comparison to marginal efficiency of capital, and investors are suffering losses that will push them back to the investment OY level. Next comes measures to stimulate induced or private investment. इंड्यूस्ड और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. स्टिल हम क्या मेजर्स ले सकते हैं टू इंक्रीज सच काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. फर्स्ट कम्स रिडक्शन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का लेवल अपग्रेड हो सकता है. नेक्स्ट कम्स रिडक्शन इन टैक्सेस. प्रोड्यूसर्स के टैक्सेस के बर्डन को अगर थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाए तो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हाई होता है, लेकिन अगर टैक्सेस का प्रेशर बढ़ता है तो उनका लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाता है. नेक्स्ट कम्स पॉलिसी ऑफ वेज कट. रियल वेजेस को रिड्यूस करके हम हमारी इन्वेस्टमेंट को स्टिम्युलेट कर सकते हैं. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ऐसा रिकमेंड करते हैं. नेक्स्ट कम्स इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ इनकम जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और अकॉर्डिंगली जो डिमांड्स है वो बढ़ेंगी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर इंड्यूस्ड फील करेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट कम्स प्राइस सपोर्ट पॉलिसी. अगर गवर्नमेंट प्राइस सपोर्ट पॉलिसी लॉन्च कर देती है, यानी कि एक फेयर प्राइस जो है वो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए अवेलेबल रहेगा बाय गवर्नमेंट फॉर सम एसेंशियल गुड्स, सो सच प्राइस सपोर्ट पॉलिसी विल सपोर्ट द इन्वेस्टर्स. नेक्स्ट एबोलिशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज. मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज को हमें अबॉलिश कर देना चाहिए किसी भी इकोनॉमी में से. एक कमोडिटी की जिससे कि बहुत सी फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो है इकोनॉमी में वो होंगी. नेक्स्ट कम्स प्रमोशन ऑफ रिसर्च. रिसर्च एक्टिविटीज को प्रमोट करना चाहिए जिसकी वजह से न्यू न्यू इनोवेशंस कंट्री में होंगे और मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करने के लिए बहुत सी इन्वेस्टमेंट होगी. और लास्ट कम्स पंप प्राइमिंग. पंप प्राइमिंग इज इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट डिप्रेशन के टाइम पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स करती है. सच इन्वेस्टमेंट्स वुड लीड द इकोनॉमी बैक टू द नॉर्मल लेवल. सो दीज आर सम मेजर्स दैट स्टिम्युलेट इंड्यूस्ड और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी.